सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। मोरबी पुल हादसे में पुलिस की वड्डी कार्रवाई, कंपनी ओरेवा के स्टाफ समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मोरबी मच्छू नदी से पुल टुटन कारण घट्टो घट 141 लोगों की हुई मौत। झोने का मौजूदा खरीद सीजन एक हफ्ते में होगा मुकम्मल, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी जानकारी। 31 अक्टूबर तक तकरीबन 110 लाख मीट्रिक टन झोने की हुई खरीद। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अमृतसर अदालत में किया गया पेश। अमृतसर के थाना करिंडा की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का 5 नवंबर तक रिमांड किया हासिल। पंजाब पुलिस की एजी टीएफ केंद्रीय गृह मंत्री स्पैशल ऑपरेशन मैडल न सम्मानित डीजीपी गौरव यादव ने एजी टीएफ टीम को दी बधाई। हुण खबरां विस्थार दे नाल। गुजरात के मोरबी च एक पुल के टुटन नाल 141 लोगों की मौत। तो एक दिन बाद पुल की मुरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के अधिकारियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की पुष्टि राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने की है। उन्हों का कहना है कि कोविड की जांच तो बाद सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि वह ओरेवा के मध पद्धर के मुलाजम ने। जानकारी यह भी है कि कंपनी के सीनियर अधिकारी पुल से हादसा होने तो बाद लापता ने। पुलिस ने केबल पुल के रख रखाव के संचालन का काम देखने वाली एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादातन कतल के दोष FIR दर्ज की है। देर शाम मोरबी च मच्छू नदी से एक केबल पुल टुटन घट्टो घट 134 लोगों की मौत हो गई। हुण तक पंजाब 110 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद होने का दावा करदे आ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि खरीद ते चुकाई की समुची प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अनाज मंडिया का मुआयना करन मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदे आ मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर तक तकरीबन 112 लाख मीट्रिक टन झोना मंडिया में आया, जिस विचों तकरीबन 110 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने दसिया कि 88 लाख मीट्रिक टन झोना मंडिया में चुकया जा चुका है। हुण तक 18,660 करोड़ रुपए की किसानों को अदायगी हो चुकी है। झोने का दाणा दाणा चुकन की सूबा सरकार की वचनबद्धता दोहरा भगवंत मान ने कहा कि मौजूदा खरीद सीजन दौरान सूबे भर में किसानों की एक भी शिकायत नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निजी तौर पर समुची खरीद प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसानों को कुछ ना आवे। अमृतसर की दिहाती पुलिस वालों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जलंधर तो ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। इस दे नाल ही अमृतसर अदालत में पेश किया गया। अमृतसर पुलिस वालों अदालत में सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए सन। अमृतसर अदालत वालों थाना करिंडा की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का 5 दिन का रिमांड दिता गया। अमृतसर के इलाका भकना कलां दे विच मनप्रीत मनू ते जगरूप रूपा का पुलिस वालों एनकाउंटर किया गया। जगरूप रूपा ते मनप्रीत मनू लॉरेंस बिश्नोई के साथी दसे जाते हैं, जिन्हों वालों सिद्धू मूसेवाला कतलकांड अंजाम दिता गया। इन्होंने दोवों के मामले के पुछगिछ करने करिंडा पुलिस वालों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड की मांग की गई थी, जिसके चलते अदालत वालों थाना करिंडा की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का 5 दिन का रिमांड दिता गया। तो हुण थाना करिंडा की पुलिस दर्ज मामले में पुलिस लॉरेंस तो पुछगिछ करेगी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान टीनू को मुड़ मानसा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने टीनू का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया। पुलिस 24 घंटों के अंदर अंदर गैंगस्टर दीपक को मानसा लेके आएगी तो अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल करेगी। टीनू के फरार होने बारे कई सवाल ने जिन्हों लैके पूछगिछ की जाएगी।
अमृतसर की मांडयोग अदालत में 197 किलो हैरोइन के मामले के अकाली दल के आगू अनवर मसीह पेश किया गया है। गुजरात के पुलिस अकाली आगू अनवर मसीह अमृतसर अदालत में लैके पुजी। अमृतसर के सुल्तानबिन पिंड चल रही नशे की फैक्ट्री के एसटीएफ को वड्डी सफलता हासिल हुई सी। फैक्ट्री के 197 किलो हैरोइन बरामद हुई सी। उस मामले में अकाली ते कांग्रेसी आगुआं गिरफ्तार किया गया सी। इस मामले में अनवर मसीह ते उसके साथियों बीते दिन कोर्ट में पेश किया गया। अकाली आगू अनवर मसीह का कहना सी कि उसके नाल शरेआम धक्का किया जा रहा है, जेकर वह दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जा। देखो जी, ये तो नजायज़ है, पर लेकिन सानू सरकार ने जिहड़ा साडे ते झूठा केस पाया सी, तो इस करके असी उहदा नहीं। बाकी भगवंत मान जी जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैनू उम्मीद है भी शायद वह मैनू इतना इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मैं तो कहना पंजाब के मुख्यमंत्री भी यदि सिट बिठाई जाए, IPS ऑफिस की 3 मैंबरी कमेटी बनाई जाए, अगर मेरा दोष होगा तो मैं फांसी की सज़ा दी जाए। इस दाल ही समा हो चलिया एक ब्रेक का, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे जे ब्रेक के लिए। ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है। 31 अक्टूबर 1984 उस वेले दी प्रधानमंत्री नूं मौत दे घाट उतारन वाले भाई सतवंत सिंह अगवान, भाई बेअंत सिंह ते भाई कहर सिंह जी दी 38वीं शहीदी बरसी जिला गुरदासपुर दे पिंड अगवान विच सिख संगत वालों मनाएगी, जिस विच विशेष तौर ते वारिस पंजाब जथेबंदी दे मुखी भाई अमृतपाल सिंह पहुंचे। भाई अमृतपाल सिंह ने नौजवानों नूं एक बार फिर अमृत छकन लई प्रेरित करदे होए गुरु दे लड़ लगन की अपील की। इस मौके भाई अमृतपाल सिंह ने कांग्रेसी आगू रवनीत बिटू ते प्रशासन समेत केंद्र सरकार ते भी तिखे निशाने साधे। देखो, इन्हां समागमां तों हुकूमत नूं इक सेध जरूर लेनी चाहीदी है कि खालसे नाल जिहड़ा भी बंदा टकरिया अज तक गुरु घर नाल जिन्ने मत्था लाया उहदा वजूद खत्म हो गया, उहदा कुल नाश हो गया, बंस नाश हो गया। सो इस करके खालसा जिहड़ा वा गुरु ने साजिया इहनूं कोई खत्म नहीं कर सकदा, इहदी जड़ पताल तों भी डूंघी है। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮਸਟੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵਸਾ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਨ ਮੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ IRM ਐਨਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੀਆ, ਕੰਪਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹੂ, CEO ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੰਗੇੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। इस मौके मीडिया नाल गल करते हुए नितिन गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वालों स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग वालों भी एक माइक्रोफोर्स अमृतसर के अटारी वाघा सड़क और पिंड भरोपाल विच तैयार किया जा रहा है।
पंजाब पुलिस दीयां शानदार सेवावां नूं मानता दिंदियां भारत सरकार दे गृह मंत्रालय वल्लों एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब दी 16 मैंबरी टीम नूं साल 2022 लई केंद्रीय गृह मंत्री स्पैशल ऑपरेशन मैडल नाल सन्मानित किया गया। पुरस्कार जेतुआं दे विच एजीटीएफ दे मुखी एडीजीपी प्रमोद भान, उन्हां दी टीम दे मैंबर डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एआईजी गुरमीत सिंह चौहान, एआईजी संदीप गोयल, डीएसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ आदि शामिल ने। जिक्रयोग है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशों से खुफिया सूहों की वरतों करदिया पंजाब पुलिस दीयां फील्ड यूनिटा के तालमेल नाल सूबे विचों गैंगस्टरां ते समाज विरोधी अंसरां नूं नत्थ पाउण लई एडीजीपी प्रमोद बान की अगवाई हेठ एजीटीएफ का गठन किया गया सी, तां जो कानून ते व्यवस्था च लोकां दा विश्वास मुड़ बहाल किया जा सके। नवी दिल्ली विखे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी समर्पित राष्ट्रीय एकता दिवस मनाउंदिया रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दिल्ली सैक्टरेट तो शुरू हुई मैराथन दौड़ राजघाट आईजी स्टेडियम तो हुंदी हुई दिल्ली सैक्टरेट विखे पहुंच के समाप्त हुई। इस मौके ओलंपियन रवि कुमार धैया विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्हों वालों रन फॉर यूनिटी दौड़ में शामिल होकर नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई की गई। इस दौरान कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। ये दो डी से स्टार्ट हो रही है फिलहाल, यहाँ से सेंट्रेट से और यहाँ से आईजी स्टेडियम की तरफ सामने राजघाट जाएगी और उसके बाद राजघाट से घूम के वापस आईजी स्टेडियम और फिर फिनिश होगी। तो बिल्कुल ये दिल्ली सरकार की तरफ से ये आयोजन है और ये बहुत अच्छी पहल भी है और मैं इन सबको शुभकामनाएं भी दूंगा और इनके लिए ये बहुत अच्छा करें और काफ़ी ये स्टार्ट हुई है तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अति हूँ जाते हैं। एक बार फिर नज़र मारते हैं हूँ तक दिया मुख्य सुर्खियां की। मोरबी पुल हादसे विच पुलिस दी वड्डी कार्रवाई, कंपनी ओरेवा दे स्टाफ समेत 9 लोगों नूं कीता गिरफ्तार। मोरबी च मच्छू नदी ते पुल टुटन कारण घट्टो घट 141 लोगों की हुई मौत। झोने का मौजूदा खरीद सीजन एक हफ्ते विच होवेगा मुकम्मल, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी जानकारी। 31 अक्टूबर तक तकरीबन 110 लाख मीट्रिक टन झोने की हुई खरीद। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं अमृतसर अदालत विच कीता गया पेश। अमृतसर दे थाना घरिंडा दी पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई दा 5 नवंबर तक रिमांड कीता हासिल। पंजाब पुलिस दी एजीटीएफ टीम केंद्रीय गृह मंत्री स्पैशल ऑपरेशन मैडल नाल सन्मानित। डीजीपी गौरव यादव ने एडीजीएफ टीम नूं दित्ती वधाई। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।